चेक करवा देता हूँ सारे, मतलब यहाँ पर ना पीएम पे काम करना है ना पीएमएल पे काम करना है, ये सिर्फ फ्लैशिंग क्योंकि नॉर्मल पोर्ट बन रहा है। अब सब लोग ध्यान दो, अब यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ पर पीएम 7150 तो यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर कितना वोल्टेज बन रहा है बोलो कौन सा होता है? ठीक है, अब मुझे एक वोल्टेज भी मिल गया, 3 कोर चाहिए तो सर यहाँ पर एक वोल्टेज मिल गया 0.8 मिल गया यहाँ पर। अब इसी को डिवाइड कर दिया, दूसरी में बम्प डाल दिया है तो ये इसका आधा बम्प इसमें चला गया है। अब यहाँ पर भी मुझे लोअर एलडीओ चाहिए, क्या चाहिए ना, इसलिए एक फोन कंप्लीटली मैं ऑन करूंगा वो भी इससे भी डिफिकल्ट, जिसमें हमको लगेगा सर हाँ ये गुड फोन बन रहा है तो ये होगा। चलो मैं लाइव उस समय, हाय माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ देवतन अग्रवाल, आप देख रहे हैं सर टेलीकॉम। आज डैडी की क्लास है, पर डैड ऐसा बोला जाता है कि डैड को समझने के लिए बहुत सालों चाहिए, पर मेरे को लगता है डैड को समझने के लिए सालों वाला एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, वो भी काफी है। मुझे बताओ आज सुबह से अभी तक किस किस को मजा आ रहा है? जल्दी बताओ डैड में आगे खुली ये वो टीपी कहाँ है? कनेक्टर के पास। कौन सी कनेक्टर है? किसी कनेक्टर के पास है ना, ये वाला कनेक्टर देख, ये ऊपर वाला छोटा वाला है ना, देखो कौन सा है, फिर से देख ध्यान से, डीएमडीपीडीएम के ऊपर ऊपर छोटा वाला, और ये देखो उसको आ रहा ना ऊपर छोटा सा, तो यहाँ पे सर क्या 1.8 वोल्टेज क्या करेंगे? EDL से उठा के मारते हैं, ये EDL पॉइंट में यहाँ पे 1.8 हमें मिल रहा था जो फ्लैक्चुएट कर रहा था, तो यहाँ से जंपर उठा के यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, मिस यू टू ऑल स्टूडेंट, इधर आ जाओ।
फिर यूएसबी से क्या देंगे वोल्टेज और हम लोग चेक करेंगे क्या दिल्ली सर बग अप डाउन हो रही है 1.8 और जो भी वोल्टेज है अपना वो सारे स्टेबल है कि नहीं 1.8 पे ही चेक कर लो डायरेक्ट जी सर हमने यहाँ पे ऑलरेडी चेक किया था yes, जो sir. क्या हो रहा था इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब बग ओके अब सर हम एक बार जंपर खोल के भी चेक कर लेते हैं अगर हम 1.8 की जंपर ना देंगे फेस होल्ड में तो अभी क्या होगा देखो जंपर मैंने खोल दिया और अब चेक कर अब यहाँ पे जंपर देने के बाद हम लोग जान गए कि हमारा पावर सेक्शन बिल्कुल ओके सर तो हमारा प्रॉब्लम किस लिए था सीपीयू के लिए किसके लिए था सीपीयू ये जो सीपीयू है ये सीपीयू क्या हो चुका है डैमेज हो चुका है इसकी लाइन में कोई भी एक सेक्शन में शॉर्टिंग आती है जिसके कारण मैं ये भी बताना चाहूंगा ये जिसका सेट है भाई खड़े हुए बिट आपका ही ना ये कंडीशन किस पे आया था मतलब कस्टमर ने क्या बोला था तुमसे सर बोला था पानी में गिरा था ये सर पानी में गिरा था मतलब लिक्विड डैमेज है ये वाटर डैमेज में जाएगा ठीक तो आप इसको फर्स्ट टाइम रिवॉल्व ही करना क्या करना बताइए रिवॉल्व करके लगाना और देखना 1.8 स्टेबल है मैं ये नहीं कहूंगा कि पहली बार में चेंज करना है समझ में आ रहा है मेरी बात पर हम अब क्या कर रहे हैं मिलन सर बताओ अब हम एक चेंज करके देखेंगे सीधा एक दूसरा लगा देंगे ताकि टाइम कम जाए ठीक है तो मैं जानना चाहूंगा मिलन सर कि अगर हम सीपीयू चेंज कर देते हैं और इसमें तो क्या चालू हो जाएगा या लोगों पे आएगा क्या होगा ये देखिए सीपीयू के ऊपर डिपेंड रहता है जैसे यहाँ पे कौन सा सीपीयू है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा क्वालकॉम की सीपीयू है और नंबर देखना होगा एचडीएम सीपीयू है इसका मतलब ये लोगों में आ जाएगा और ए बी सीपीयू है मतलब हो सकता है डिस्ट्रॉय में भी आ जाए क्योंकि ये सीपीयू जो है सर फोन के साथ अपडेट होता है मतलब फोन जैसे ही अपना MIUI 11 MIUI 12 में अपडेट होता है साथ में ये सीपीयू भी अपडेट होता है जो आगे की आपकी क्लास में है ये सारी जानकारी तो ए बी सीपीयू क्या है अगर MIUI 12 में अगर अपडेट हो गया तो इसको हम इसका EMMC IC चेंज नहीं कर सकते सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉय लिखा है तो अगर हम सीपीयू चेंज करके हम फिलहाल तो जान सकते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सीपीयू से था या नहीं अब अगर सिस्टम डिस्ट्रॉय आया या चालू हुआ लोगो हुआ आगे आपकी काम है कि इसको प्रोग्राम करना क्योंकि प्रोग्रामिंग सीपीयू और ईएमएमसी के बीच में होता है चाहे सीपीयू चेंज करो चाहे ईएमएमसी चेंज करो बात एक ही है सीपीयू के साथ पेयर करवाना होगा हमारा पहला तो मेन है कि ऑन होना चाहिए क्या होना चाहिए भाई हम तो ये समझ रहे हैं ना बीपीएच आ रहा है बीएमआई पे तो काम ही करना है बग बनना है अब पावर पे काम नहीं करना अब हमने तो अगर हमने फॉल्ट निकाला कि अब सीपीयू रो चेंज करने से 1.8 अगर स्टेबल होता है तो ये ऑन भी होना चाहिए क्या होना चाहिए एक बार देख रहे हैं क्योंकि अगर ये ऑन नहीं हुआ तो ये तो कुछ और फॉल्ट निकल जाएगा ना क्यों नहीं हो रहा ऑन चलो तो मेरे पास यहाँ पे एक दूसरा पीसी भी है और इसका मैं सीपीयू घुमाओ यहाँ से लेकर निकला हुआ देखो तुम ये था पुराना सीपीयू मेरा और मैं एक दूसरा पीसीबी है उस दूसरे पीसीबी से मैंने क्या लेकर लिया हूँ मैं सीपीयू लिया हूँ और इस सीपीयू को लगा हूँ ठीक है अभी मैं खड़ा हूँ अपने हार्डवेयर की क्लास में और जहाँ पे मेरे साथ बैकअप के स्टूडेंट है हारूरा बैकअप के स्टूडेंट ये देखो बैकअप के स्टूडेंट तो इनका वीडियो लेके देखना भाई इनने क्या किया है अभी इनकी कमाइयों का कितना इफेक्ट है मैं बैकअप वाले स्टूडेंट से पूछना चाहता हूँ भाई कमाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी किसकी बढ़ी हाथ उठाओ यहाँ पर यहाँ आने से पहले सीपीयू एमएमसी पे काम करते हैं क्या तुम लोग अब कर रहे हैं ना यहाँ पर अब जहाँ फंस रहे हैं बुला लेंगे अभी यहाँ पर अब इसके साथ अब मैं इनके पूछना चाहता हूँ मेरे भाई बताओ अभी तक यहाँ तक जो कहानी पहुंची है सुबह से ये चीज किस किस को समझ में आई डेट सेक्शन किस किस का क्लियर हो रहा है yes, पक्का yes, ऐसा सोचा था क्या yes, सुबह आए
नहीं तो क्या दिमाग में चल रहा था सर? वजन दबट इतना था कि सिक्के जाएंगे, हमका भरोसा था ना। तो अभी 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 वाकई में कैसा लग रहा है, मन हल्का हो रहा है? yes, वाकई में हमने वोल्टेज की फाइनिंग की, हमने हर आईसीयू का इन आउट देखा। क्या मैंने एक बार भी बोला कि एक बार हीट करके दे दो? नहीं सर, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं ना। मैंने तो कहा हर आईसीयू का इन होता है तो क्या होता है, होता है। तो हम अभी सीपीयू का आउट देख रहे हैं। किसका? सीपीयू का आउट। यहाँ 1.8 पीएस होल्ड की वजह से हो रहा है। यही मीडिया टेक होता तो यहाँ कोई नहीं होता, यहाँ वैसे ही जैसे सीपीयू निकालते वैसे ही स्टेबल हो जाता। अपन ने अभी मीडिया टेक का सीपीयू देखा, रेडमी नोट 9, अपन ने बिना पावर किए उसका फाइनल सोल्यूशन निकाला ना। नहीं तो अपन चाहते तो पावर चेंज करते रह जाते। अच्छा मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, तू भी तक एक मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझे एक बात बताओ। यहाँ पर हम सीपीयू चेंज कर रहे हैं, आप में से किस किस ने यहाँ पर सीपीयू निकाल के लगा लिया है भैया? yes, चालू किया? yes, कीपैड की बात नहीं कर रहा, 4G की बात कर रहा हूँ। yes, मुझे बताओ कि इस क्लास के बाद आपका सॉफ्टवेयर होगा, फिर सॉफ्टवेयर की कल की क्लास कैसी रही आप लोग? किसको अच्छी लगी बताओ, एक बार दुखे सके ताली बजा दो। मैं जाना चाहता हूँ, उसके बाद इमेंसी की क्लास है। किसके साथ? निलंशन के साथ है। तो यहाँ ब्लैक पेशेंट निकाले, कौन कौन बैठा होगा जल्दी बताओ। पक्का अभी आता है क्या? ध्यान चलिए। तो मैं ये जान रहा हूँ, अब हमने इसका सीपीयू चेंज किया, देखेंगे कि क्या आया, इसका रिजल्ट क्या निकलता है। सर वही चेक करेंगे हम कि हमारा 1.8 स्टेबल हुआ है कि नहीं। बिना जंपर, जंपर हटा दिए ना? जी सर जंपर इसको लो रही है। हमारा तो ये क्या बात, अभी भी पीएमआई रिजल्ट हो, क्या बात पावर रिजल्ट हो, रिजल्ट देखना है। देखो फिर से मैं चालू कर रहा हूँ। सर कोमा से दोबारा हो गया, अभी इसको आगे प्रोग्राम करेंगे और इसको चालू करेंगे। अच्छा मुझे बताओ ये फॉल्ट आ रहा है, सिस्टम एस बी डिस्ट्रॉय है, ये फॉल्ट कौन कौन सीखेगा यहाँ पर बैठे? ये तो तभी आएगा ना जब यूनिवर्सिटी का काम आएगा। मैं क्या बोला था, कोर्स ज्वाइन करने से पहले भी और डैड आने से पहले, कि डैड वही बनाएगा जो सीपीयू उठाने की ताकत रखेगा। क्या ये बताओ, क्या ये डैड कोई और बना पाता क्या? पावर आईसी निकालने वाला है, पावर को रिवॉल्व कर देता हूँ, मेरा इतना काम है। क्या मुझे बताओ, ये चीज जो आपने ऑनलाइन यहाँ पर ऑफलाइन देखी, बैठ के इतने सारी चीजें यहाँ पे देखी, अभी आप खुद यहाँ पे प्रैक्टिकली अपने सेट को डायग्नोस करके जाओगे, ये चीज ऑनलाइन सीख सकते हैं क्या? बताओ आप तो बहुतों में से दुकान छोड़ कर आए हो अपनी, क्यों छोड़ कर आए? आपका तो धंधा मर रहा होगा वहां पर, है धंधा बढ़ाने के लिए है भाई। जब हम बोर्ड को चालू नहीं कर पा रहे तो कैसे बात का धंधा? बात हम जो मोबाइल रिपेयरिंग में है, जब फोन को चालू नहीं कर पाएंगे तो धंधा होगा क्या? धंधा होगा एक्सपीरियंस सीखने से, और वहां से निकलना पड़ता है। ये बात कौन कौन मानता है चलिए बताओ, पक्का? तो एक बार मिलन सर के श्रोता ताली बजा दो भाई। तो एक बार मैं पूरे पॉइंट को आपके सामने लाना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लाइट बंद कर दो। क्या नाम है भाई आपका? सुजीत गुप्ता सर। कहाँ से हो आप? यूपी से। यूपी से हो, तो आज क्या क्लास थी आपकी? आज डेढ़ सेशन की क्लास थी। डेढ़ सेशन की क्लास किसके साथ में हुई आपकी क्लास? देव सर के साथ। देव सर के साथ में हुई, तो कैसा लगा क्लास आपको? सर बहुत अच्छा लगा। अभी जो ड्रग डायग्नोस देखने का तरीका है वो आपको समझ आया? पहले तो यही नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ से काम शुरू करना है, अब तो ये पता है कि कहाँ से काम शुरू करना है और सिक्वेंस है कैसे चलना है। एक एक आईसी से पता चला कहाँ से बनता है, कहाँ से आपका पोर्ट बनता है? हाँ सब पता चला। सब पता चला। सब कैसा लगा क्लास? बहुत अच्छा लगा।
चलिए, क्या बोलोगे कोई आना चाहे तो? उसके लिए तो एशिया टेलीकॉम से बेस्ट कोई है ही नहीं। प्रैक्टिकल मिला जो भी चीज़ें हुई हैं? हाँ सब मिला। चलिए ठीक है, थैंक यू। मैं आपका संतोष सर, उड़ीसा से। तेज बोलिए। संतोष उड़ीसा से। उड़ीसा से हो आप, आज क्या क्लास थी आपकी? आज तो हमारा डेड डायग्नोस का क्लास था। जो डेड डायग्नोस का क्लास किसके साथ में हुआ? डेड सर के साथ। कैसा लगा क्लास? हाँ बढ़िया था सर। मुझे बताओ कि जो डेड सेक्शन सर के साथ में हुआ है, इसके पहले उस तरीके से आप डेड डायग्नोस करते नहीं? नहीं, 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 नहीं। उससे पहले तो पता ही नहीं था हमको कैसे डायग्नोस करना है, क्या नहीं वगैरह वगैरह कुछ पता नहीं था। अभी सीखने मिला बहुत कुछ। बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ सर। अभी आप डायग्नोस कर पाओगे? फर्स्ट कॉल पे काम करना है, सेकंड पे करना है, कि ईएमएमसी करना है, सीपीयू पे करना है, पता चलेगा आपको? हाँ अभी तो पता चल जाएगा सब। चलो ठीक है, क्या बोलोगे अगर कोई ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहे? जरूर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ सीखने मिलता है, बहुत नॉलेज भी मिलता है, ज़्यादा कुछ आपको मिल रहा है? हाँ बहुत मिला। चलिए ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ओम प्रकाश केसरवानी। कहाँ से हो आप? फतेहपुर यूपी से। फतेहपुर यूपी से हो। आज क्या क्लास थी आपकी? आज सर डेट सेक्शन क्लास। डेट सेक्शन की जो क्लास किसके साथ में हुई है आपकी? देव सर के साथ में। देव सर के साथ में जो डेट सेक्शन की क्लास हुई है, जो ये टेस्टिंग सर ने आपको बताया है, मुझे बताओ कि इस तरीके से आप कभी टेस्टिंग करते थे डेट सेक्शन? नहीं कभी नहीं, पहले कोई जानकारी नहीं थी। पहले कोई जानकारी नहीं था, और अभी की मैं बात करूँ तो अब पूरी एकदम बदल गई सर, एक बार में चेक कर सकते हैं। चलिए, किसी भी कंडीशन का सेट अगर मैं डेट डायग्नोस करने के लिए दे दूँ आपको, तो अभी आप डायग्नोस कर पाओगे कि नहीं? जी सर बिल्कुल कर लूँगा। कर लोगे? जी सर। मुझे बताओ क्या बोलना चाहोगे ऐसे टेलीकॉम के बारे में, और क्या बोलना चाहोगे आप देव सर के लिए? मैं जो सर यहाँ सोच किया था उससे मुझे ज्यादा मिल रहा है। जो चीज़ सोच किया था उससे ज्यादा मिल रहा है? जी सर। एक बात बताओ, ये कौन सा फोन है यहाँ पे? रेडमी 5 के है। क्या प्रॉब्लम है? डेड था सर। डेड था? जी सर। तो अभी डायग्नोस किया आपने इसको? जी सर। क्या प्रॉब्लम है उसमें? इसमें तो पावर आईसी खराब है। पावर आईसी खराब है? बीपीएच वक्त चेक कर लिया आपने? जी सर। चलिए ठीक है, वेरी गुड सर। नाम है आपका? सर मेरा नाम मनोज यादव। थोड़ा सा तेज बोलिए। मनोज यादव। कहाँ से हो आप? इटावा। इटावा यूपी। क्या 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 क्लास थी आज आपकी? आज सर डेड डायग्नोस। डेड डायग्नोस की क्लास किसके साथ में थी आपकी? देव सर के पास। देव सर के साथ में जो क्लास हुई है आपकी, कैसी लगी क्लास? बहुत अच्छी। मुझे बताइए आप मोबाइल के फील्ड में कब से काम करते थे? मोबाइल के फील्ड में काफी समय से 5-6 साल हो। डेड डायग्नोस जो आज क्लास हुआ है आपका, इस ये नजरिया आपका पहले था कि? ये नजरिया नहीं था, बट आज से बहुत बदल गया है। बहुत बदल गया सर। कहाँ पे क्या क्या चेक करना है, कहाँ वोल्टेज चेक करना है, कहाँ बीपीएच, कहाँ पे बक चेक करना है, आपको पता चला? बक करना क्या क्या करना, वही तो मैं चेक कर रहा हूँ। सर के ने जो भी मुझे इंस्ट्रक्शन दिए है वही फॉलो कर रहा हूँ। वही फॉलो कर रहे हैं। कैसा लगा क्लास? बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा। पैसा वसूल जैसा बोलते हैं? बिल्कुल पैसा वसूल है, जो आना चाहे बेझिझक आ सकता है। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। जी सर मेरा नाम मुरली साहू। कहाँ से हो आप? उड़ीसा से। उड़ीसा से हो, तो आवाज़ आपकी उड़ीसा तक जानी चाहिए। मुझे बताओ कि आज क्या क्लास थी? आज डेड डायग्नोस। किसके साथ में थी? देव सर। मुझे बताओ आपके पास किसी भी तरीके का कोई भी डेड फोन अगर आपके पास आ जाए तो आप उसको डायग्नोस कर पाओगे? जी सर। यहाँ पे बैठे बस आप ही डायग्नोस कर पाओगे कि सारे बच्चे कर पाएंगे? सारे बच्चे कर पाएंगे। सारे बच्चे कर पाएंगे। ये आपके पास कौन सा फोन है? ये 5A का सर। क्या दिक्कत है? डेड था सर। डेड था। तो कैसे पता चला कि डेड है, क्या काम करना? आप तो पावर आईसी उठा के रखे हो यहाँ पे। जी सर ये बक वोल्टेज नहीं बना पा रहा। बक वोल्टेज नहीं बना? नहीं नहीं सर। बक वोल्टेज नहीं बना पा रहा है तो आपको तरीका पता है कि किस तरीके से बक वोल्टेज बनता है? जी सर। बक वोल्टेज बनने के लिए फीडबैक की लाइन आती है, कहाँ पे बग बनता है आपको पता है? पता है सर। चलो ठीक है, क्या बोलोगे अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो? सर ज्वाइन कर सकता है सर। ज्वाइन कर सकता है। पैसा वसूल है? पैसा वसूल है। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम शेख वाली है सर, मैं हैदराबाद से। थोड़ा सा तेज बोलो, हैदराबाद तक जानी चाहिए आवाज। कहाँ से हो? हैदराबाद से। हैदराबाद, वेरी गुड। मुझे बताओ आज क्या क्लास थी? आज हमारी डेट सेक्शन की क्लास थी सर। डेट सेक्शन की क्लास किसके साथ में हुई है आपकी? देव सर के। सर कितने घंटे क्लास चली है, कितने बजे से? सर क्लास तो लगभग 11:30 बजे शुरू हुआ और 5 बजे तक चली सर। चलो ठीक है, 5 घंटे 5:30 घंटे की क्लास हुई है आपकी, थ्योरी थ्योरी हुई है। अभी क्या कर रहे हो आप? अभी मैंने एक रेडमी 8 का मोबाइल है। हाँ तो ये डेड था। हाँ? मैंने ट्रेस किया तो इसमें EMMC का फॉल्ट है। अच्छा, रीडिंग आपको समझ में आ गया? हाँ जी सर। बूट कॉन्फ़िगरेशन पता चला आपको? जी सर। क्या आपका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए यहाँ पे, कैसे आपका बूटिंग होता है, कितना डिजिट लेता है, चालू पे क्या रीडिंग होता है, आपको सारी चीज़ें पता चली? हाँ जी सर। मतलब आप डायग्नोस कर पाओगे आपकी डेड सेक्शन कहाँ से डेड है फोन? चलो पूरा सीक्वेंस पे कैसे चलना चाहिए ये सब हमको बताया गया। चलो ठीक है, कोई हैदराबाद से आना चाहे तो? जी बिल्कुल आ सकता है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? जी यशवंत पटेल। कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से हो। मुझे बताओ आज क्या क्लास थी आपकी? सर आज हमारी डेट सेक्शन की क्लास थी। हाँ देव सर के साथ। देव सर के साथ में जो डेट सेक्शन हुआ है कैसा लगा क्लास? बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा लगा। जी सर। मुझे बताओ कि अभी कोई सा भी फ़ोन आपको डेट सेक्शन का उठा के दे दूँ और डायग्नोस करने के लिए बोलूँ तो क्या आप कर पाओगे? जी सर बिल्कुल।
सर ने हमको बिल्कुल डीप लेवल में बताया, मैं पूरा डायग्नोस करके बता दूंगा कहाँ से प्रॉब्लम है, कहाँ से प्रॉब्लम है सर। आज से पहले ये डेट डायग्नोस के क्लास से पहले कभी आपको डेट सेक्शन इतने अच्छे तरीके से समझ में आया था? नहीं सर, मुझे कितना जरिया से देखते थे आप डेट? सर मैं सिर्फ कैपेसिटर निकालता था। हाँ, मारते थे जी सर, बस उसके अलावा कुछ नहीं आता था। चलो ठीक है, अभी आपको प्रोसेस पता चला कैसे चेक करना है, कहाँ से चेक करना है, क्या क्या चेक करना है? जी सर। चलो ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? कुणाल कुमार सर, झारखंड से। झारखंड से हो तो मुझे बताओ आज क्या क्लास थी? सर आज हमारी डेड डायग्नोस की क्लास थी। डेड डायग्नोस की क्लास किसके साथ में हुई आपकी? देव सर के साथ सर। देव सर के साथ जो क्लास हुआ, इसके पहले जो डेड सेक्शन देखने का नजरिया था वो आज बदला है या फिर पहले से ही आपका ऐसा था? आज बदल गया सर। आज बदल गया है? आज आपको पता चला कि कैसे कहाँ कहाँ वोल्टेज चेक करना होता है, कौन सा लोअर एलडीओ कौन सा हायर एलडीओ होता है? यस सर, ये आप सारी चीजें पता चली? यस सर। किस तरीके से बनता है, क्या काम करता है, ये सब सारा पता आपको? सारा पता है सर। किस कंडीशन में आपको बूट सिक्वेंस आपको सर ने बताया है? यस सर। वो बूट सिक्वेंस से आप पता कर पाओगे कि एमएससी पे काम करना है, किसी पे काम करना है या फिर पावर पे करना है? अभी मैंने डेड डायग्नोस अपना ही बोर्ड को डायग्नोस किया तो उसका पावर ऐसे और अगर कहीं जाता है तो वो शायद एशिया टेलीकॉम के जैसा सीख ना पाए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हनी कहाँ से हो आप? सर हम उड़ीसा से। उड़ीसा से हो, क्या क्लास थी आज आपकी? सर आज हमारी डेड डायग्नोस की क्लास थी। डेड डायग्नोस की क्लास कैसी लगी? सर बहुत अच्छा लगा, मैं स्टार्टिंग से जानना चाहता कि फोन चालू कैसे होता है, मेन फोन चालू कैसे होता है मेन चीज, तो आज पता चला। जिसको बोलते हैं पावर बूट सीक्वेंस, पावर बूट सीक्वेंस पता चला अभी आपको? यस सर, और मेरे बहुत सारे फोन खराब थे तो मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि मैं ये फोन को ठीक करूंगा, और जब तक हम बूट सीक्वेंस नहीं जानेंगे तो पहला स्टेप क्या है वो नहीं पता था, क्योंकि अभी तक हमारी पर्टिकुलर सेक्शन की क्लास हुई थी। तो आज मैंने अपना फोन खोला, दिखाते हैं कौन सा फोन है ये। और ये सर मेरा ही है, मेरे घर का ही फोन है, ये रियलमी C3 है। तो रियलमी C3 खोला और पूरा डायग्नोस किया पहले, क्या तो पहले पोर्ट चेक किया, पोर्ट बनाया कि नहीं, उसके बाद सारी चीजें आपको नहीं बतानी है। हाँ, मुझे बता दो कि आपको पता चला कि नहीं बूट सीक्वेंस क्या होता है, किस तरीके से आपको क्या क्या वोल्टेज कहाँ कहाँ चेक करना है, आपको ये पता चला नहीं? और मैंने किया भी इस बोर्ड पे। आपने किया भी? सारे मेरे को मिले भी, सारे मिले आपको। तो आपने टेस्टिंग कर लिया क्या काम करना उसमें? हाँ यस सर, डायग्नोस भी कर लिया, और मैं 3-4 मोबाइल डायग्नोस कर लिए, 2-3 तो चालू मतलब चालू थे और 2-3 अभी चालू करने हैं, और करना है सर। चलो ठीक है, अगर कोई आना चाहे तो? सर बिल्कुल नॉलेज चाहिए तो आ सकते हैं। आ सकता है ऐसा सर, मैं नॉलेज का ना कोई वैल्यू नहीं होता, यहाँ जो नॉलेज दिया जा रहा है ना उसको पैसे की वैल्यू में देखूँगा ना वो ठीक नहीं है सर। चलिए पैसे की वैल्यू ठीक नहीं है। मुझे बताओ आज क्या क्लास थी? सर हमारा दीप सर के साथ डेड डायग्नोस की क्लास। डेड डायग्नोस की क्लास कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी सर। डेड डायग्नोस इसके पहले आप कर पाते थे? नो सर, नहीं कर। और अब मैं अगर कोई सा भी फोन दे दूँ डेड डायग्नोस को तो हो जाएगा सर? हो जाएगा। यस सर। अभी आपको पता चल गया कब सीपीयू काम करना है, कब पावर पे करना है, कब ईएमएमसी करना है? यस सर पता चल गया सर। कब सेकंड पावर पे काम करना है आपको पता है? यस सर। चलो ठीक है, मुझे बता दो अगर कोई आपको देख के ज्वाइन करना चाहे तो क्या बोलोगे? बिल्कुल कर सकता है सर, एकदम कर सकता है। यस सर। बूट सीक्वेंस समझ में आया? नहीं आया। आया सर। आया? यस सर। आपके सामने लाइव प्रैक्टिकल क्लास में आप फोन रिपेयर हुए नहीं हुए? यस सर हुआ सर, हमने सर इसमें ट्रेस भी किया। और टोटल कितने फोन में सेट है? 2-3 मोबाइल में। अच्छा, अभी आपने 2-3 मोबाइल ही किए अपने टाइम में? चलो ठीक है, क्या बोलोगे अगर कोई आना चाहे तो? आ सकता है। आ सकता है? पैसा वसूल? एकदम पैसा वसूल। चलो ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है वाजिद। कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से हो तो आज क्या क्लास थी आपकी? सर डेड डायग्नोस की क्लास कैसी लगी? अच्छी थी सर। अच्छी लगी? मुझे बता दो कि इसके पहले डेड डायग्नोस किस तरीके से देखते थे, अभी जिस तरीके से देख रहे हो उस ऐसे देखते थे या फिर पहले कुछ और ही नजरिया था? पहले से थोड़ा अच्छा है अभी। अच्छा है। कितने साल से आप मोबाइल का काम कर रहे थे? टाइम हो गया सर। टाइम हो गया। तो बूट सीक्वेंस आपको पता था? नो सर, नहीं पता था। आपको डीसी रीडिंग पता था कि मतलब कितना रीडिंग आएगा तो लो बूटिंग है, कितना बूटिंग आएगा तो हाई बूटिंग है, स्टक होता है तो क्या दिक्कत होता है, ये सारी चीज़ें पता थी आपको? नहीं पता था। नहीं पता था। BPH कब चेक करना है, बक कब चेक करना है, ये आपको पता था? जी सर। ये पता था आपको? ये पता था BPH और बक कहाँ कहाँ? पता नहीं था सर, अभी पता चला। अभी पता चला। चलिए ठीक है, वेरी गुड। मुझे बताओ कोई आना चाहे तो क्या बोलोगे? बिल्कुल आ सकता है, जिसको सीखना है वो आ सकता है। आ सकता है? जी सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है भाई आपका? हाय सर, मेरा नाम इमरान खान है। हाँ इमरान जी, कहाँ से हो आप? आंध्र प्रदेश से सर। आंध्र प्रदेश से हो तो मुझे बताओ क्या क्लास थी आज आपकी? डेड डायग्नोस सर। अभी आप क्या कर रहे हो? डायग्नोस। डेड डायग्नोस कर रहे हो? यस सर। मुझे बता दो कि डेड डायग्नोस अभी आपका इजी हुआ कि नहीं हुआ? एकदम इजी हुआ था, पहले इतना मालूम नहीं था सर,
ब्रश मार के हिट मार के छोड़ दे देते हैं। अच्छा, और अभी क्या सेक्शन वाइज चेक करने वाले हैं सर? अभी स्टेप बाय स्टेप बीपीएच बग चेक करने वाले? सब चेक कर रहे हैं। सब चेक करोगे सर? अभी तो मैं ये किया हूँ, उसमें सीपीयू प्रॉब्लम निकला है। अगर मैं बोलूँ सीपीयू को बेवकूफ बनाना है इस फोन में तो बना दोगे? बना देंगे सर, आसानी से। मतलब उसको बता दोगे कि सीपीयू लगा हुआ है सर? चलो ठीक है, वेरी गुड। मुझे बताओ कि कैसा लगा देव सर के साथ निकला? एकदम बेहतर था सर, सर का बताने का तरीका एकदम शानदार था। बूट सीक्वेंस समझ आ गया? पॉइंट टू पॉइंट टू पॉइंट पूरा बताए, उनका नॉलेज तो एकदम हाई लेवल है सर। हाई लेवल है, हाई लेवल है, एक्सपीरियंस पर्सन है सर। क्या बोलोगे अगर कोई आना चाहे तो? आना चाहे तो जरूर आए, जरूर आए। इधर आके सीखना तो नॉलेज बढ़ाना है, नॉलेज बढ़ाना है आपके आपको, तो जरूर आए इधर। चलिए ठीक है, थैंक यू। देव सर, क्या नाम है भाई आपका? सर नितिन कुमार। नितिन, कब से मोबाइल का काम कर रहे हो भाई? सर 2-3 साल हो गए। 2-3 सालों में क्या एक्सपीरियंस है डेट सेक्शन को देखने का, क्या नजरिया था? कुछ नहीं सर, डेट बना ही नहीं पाते थे, वापस कर देते थे सर। और अभी क्या पूछू तो? अभी सब हो गया, अभी सब कर लेंगे। अभी डायग्नोस कर लोगे? यस सर। मुझे बताओ इसके पहले जिस तरीके से डेट सेक्शन सर ने एक्सप्लेन किया है आपको, इसके पहले आपको अच्छे तरीके से ऐसा पता था भैया? नहीं सर, कहाँ पे बीपीएच बनता है, कहाँ पे बग बनता है, कहाँ पे लोअर एलडीओ, कहाँ पे हायर एलडीओ, ये सब कुछ पता ही नहीं था, यहाँ आने के बाद सब पता चला है। चलो ठीक है, मुझे बताओ क्या बोलना चाहोगे आप देव सर के लिए? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर कोई आपको देख के और सर का नॉलेज लेना चाहे तो क्या बोलोगे आप उनको? बिल्कुल आ सकता है सर, इस टेलीकॉम आ सकता है, पैसा वसूल है? बिल्कुल वसूल है सर। ठीक है, आपका हो रहा है? यस सर। चलो ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। बताइए आपका नाम और कहाँ से आप? मैं सागर बोर से पालघर महाराष्ट्र से हूँ। सागर जी, बताइए आज किस चीज़ की क्लास चल रही है? आज डेट डायग्नोस्टिक की क्लास थी। डेट डायग्नोस्टिक क्लास, तो डेट डायग्नोस्टिक क्लास सर ने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया? यस सर। डीसी की रीडिंग बताई? यस सर। कैसे हाफ शॉटिंग निकालना है, फुल शॉटिंग निकालना है, या फिर फुल शॉट है, हाफ शॉट है, माइनर शॉट है, सब कुछ बताया गया? यस सर। कैसी रही ओवरऑल क्लास? मस्त सर, एक नंबर। तो इससे पहले डेट फोन आता था तो क्या करते थे, अब क्या करोगे? कुछ नहीं सर, अभी एक मैंने फ़ोन देखा टेक्नो का है, तो उसमें सर सीपीयू में प्रॉब्लम आ रही है। सीपीयू में क्या फॉल्ट आ रहा था सर? इधर पहले इधर सीपीयू में सर थी जी, तो अभी सीपीयू सर उतार रहा हूँ। ओके, तो कैसी रही देव सर ने बूट सीक्वेंस, पावर को कहाँ कहाँ पे आता है, क्या बग वोल्टेज होता है, सब कुछ आपको बताया गया? यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। अपना नाम और आप कहाँ से हैं? शंकर, नेपाल से। शंकर जी, बताइए आज किस चीज़ की क्लास चल रही थी? डेट डायग्नोस की क्लास चल रही थी। तो डेट देखिए, जब तक पूरा नहीं होता, जब तक आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एमएमसी का कोर्स कंप्लीट ना हो जाए, फिलहाल सर ने आपको सारी डीसी की रीडिंग बताई, पूरी बताई कि उसमें क्या कंडीशन है, क्या करना है, कब बग वोल्टेज चेक करना है जी, पूरे बताया। कब एलडीओ वोल्टेज चेक करना है, बीपीएच वोल्टेज कब चेक करना है, एडीएल वोल्टेज कब चेक करना है, सारे वोल्टेज जो मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, तो सर ने सारे बूट सीक्वेंस आपको बताई जी हाँ। तो अभी कैसा लग रहा है क्लास? बहुत अच्छा लग रहा है। कोई भी डेट आएगा तो ऐसा नहीं टेस्ट मार के थिनर मार के उसमें, तो देव सर ने हर एक चीज़ प्रैक्टिकली बताया आपको? अरे प्रैक्टिकल बताया, लाइव बताया, कितना वोल्टेज आएगा, कहाँ पे कितना जीआर आएगा, क्या हमें चेक करना है, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप बताया। ओके चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। तो बताइए अपना नाम और आप कहाँ से हैं? सर मैं गणेश खंड के मुंबई से। गणेश जी, तो आज बताइए देव सर के साथ किस चीज़ की क्लास ली है सर? हम लोग आज डेट डायग्नोसिस सेक्शन था सर जी, कि अगर कोई डेट फोन आ जाए तो उसको कैसे डायग्नोस करके उसका एग्जैक्ट जो वोल्टेज है डेट होने के बाद, एक बार डायग्नोस करने के बाद उसको वोल्टेज चेक करके हम लोग बता सकते हैं सर आज की तारीख में, कि मतलब उसमें क्या ईएमसी का फॉल्ट है, पावर एसी का फॉल्ट है, सीपीयू का फॉल्ट है, ये चार फॉल्ट हम लोग सिर्फ डायग्नोस करके बता सकते हैं सर। डायग्नोस करके बता सकते हैं। तो इससे पहले क्या करते थे और इससे अब क्या करने वाले हैं सर? इसके पहले तो सिर्फ हम लोग को वोल्टेज के बारे में मालूम नहीं था सर जी, लेकिन आज जो हम लोग को जो आज डेट सेशन का क्लास हुआ सर, तो सिर्फ हम लोग देख के बता सकते हैं और वोल्टेज चेक करके बता सकते हैं कि एग्जैक्ट में क्या प्रॉब्लम है, सीपीयू का है, ईएमसी का है या पावर एसी का है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हेलो सर। तो बताइए अपना नाम और कहाँ से हैं आप? मैं अनिल ठाकरे, नासिक महाराष्ट्र से हूँ सर। अनिल, बताओ आज कैसे रही डेट डायग्नोस की क्लास? बहुत अच्छी थी सर। बहुत अच्छी रही यहाँ पे सर। तो इससे पहले अगर कोई फोन डेड आता था तो क्या करते थे? हम तो ऐसे चेक कर लेते थे सर, रिटर्न कर देते थे। रिटर्न कर देते थे क्योंकि जो फॉल्ट रहता था वो मालूम भी नहीं रहता था ना हमको।
तो कैसे अभी, अभी पता चला कि कब हमें पावर पे काम करना है, कब सीपीयू पे काम करना है, कब एमएमसी पे काम करना है, कब सॉफ्टवेयर करना है, कब हार्डवेयर पे काम करना है, क्या हमारा बग वोल्टेज क्या होता है, ये सारा कुछ पता चला। यस सर। तो कैसी रही ओवरऑल क्लास? बहुत अच्छी थी सर। बहुत अच्छी रही। यस सर। तो अभी जो सर ने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, अभी प्रैक्टिकली बताया कि ऐसे ही थ्योरी बेसिस पे बताया, प्रैक्टिकली बताया? प्रैक्टिकली बताया। तो जो सर ने बताया वो प्रैक्टिकल में मिल रहा है अभी? आप पूरा प्रैक्टिकल मिल रहा है, स्टेप बाय स्टेप चेक कर पा रहे हैं? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। रुकना रुकना। हाँ सर। सर चंदन कुमार नेपाल से। सर चंदन जी, आज किस चीज़ की क्लास चल रही थी? आज सर हमारी डेड सेक्शन की क्लास थी। डेड सेक्शन की क्लास, तो बताइए कितने सालों से काम कर रहे हैं आप? लगभग सर 8-9 साल से। 8-9 साल से काम कर रहे हैं। तो हमें एक बात बताइए, 8-9 सालों का एक्सपीरियंस और ये आज एक दिन का डेड का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत डिफरेंट रहा सर। बहुत डिफरेंट रहा। पहले क्या करते थे चंदन? पहले सर डेड में ऐसे ही थोड़ा बहुत लॉस करके इडिट करके ऑन हो गया तो ठीक है, नहीं तो जहाँ तक हो सकता था करते थे। अब क्या करेंगे? अब तो सर 100% सोल्यूशन होगा सर। अब करेंगे यहाँ पे, मतलब स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सर। कब हमें इंडियल बॉडी चेक करना है? यस सर, टोटल सर। कब हमें VCC, कब CPU पे काम करना है, कब हमें EMC पे काम करना है, कब हमें पावर सेक्शन में काम करना है सर। ओके, ये सब कुछ पता चला। कब हमें सॉफ्टवेयर करना है? यस सर। DC की रीडिंग बताई गई आपको? 100%। तो कैसी रही ओवरऑल क्लास? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। सर मेरा नाम सागर। हाँ जी, अपना नाम बताइए। कहाँ? मेरा नाम सागर है सर, मैं नेपाल से हूँ। सागर जी नेपाल से हैं, तो बताइए आज हमारी किस चीज़ की देव सर के साथ क्लास थी? आज डेड डायग्नोस्टिक क्लास थी। डेड डायग्नोस्टिक क्लास थी। स्टेप बाय स्टेप की डेड को कैसे बनाया जाता है, कैसे क्या वोल्टेजेस चेक करने होते हैं, DC की रीडिंग बताई गई आपको? यस सर। बूट सीक्वेंस बताया गया आपको? अभी क्या चेक कर रहे हो? डायग्नोस कर रहे हैं। डायग्नोस कर रहे हैं, क्या चीज़ चेक कर रहे हैं अभी फिलहाल? वोल्टेज चेक कर रहे हैं सर। कौन सा वोल्टेज चेक कर रहे हैं? बक वोल्टेज सर। बक वोल्टेज चेक कर रहे हैं। बक वोल्टेज कहाँ से बनता है, नहीं बन रहा है, तो क्या क्या चीज़ करना है? सर ने एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताया। कैसी भी ओवरऑल क्लास? बहुत अच्छा रही। बहुत अच्छी रही। यहाँ पे अगर नेपाल से कोई आना चाहे तो क्या बोलना? आना चाहे तो आ सकते हैं सर। आ सकता है कि आना ही चाहिए? आना ही चाहिए सर। सीखने की इच्छा होता आना ही चाहिए। सीखने की इच्छा तो आना ही चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और आप कहाँ से हैं? मैं राजकुमार नेपाल से। राजकुमार जी बताइए आज देव सर के साथ किस चीज़ की क्लास थी? डेड डायग्नोस की। डेड डायग्नोस की क्लास थी। तो डेड डायग्नोस में सर ने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई? जी सर, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा तो नहीं कि कहीं भी कुछ भी बता दिया हो कि पावर पे काम कर लेना, सीपी पे काम कर लेना, ऐसा कुछ? स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया। स्टेप बाय स्टेप बताया गया। अभी मान लीजिए कोई डेड फोन आता है तो अभी आप डायरेक्ट टेस्ट या थीनर मार के हिट मारेंगे क्या? नहीं सर, नहीं सर, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आप उसमें हर एक चीज चेक करेंगे? जी सर। आप पहले तो DC की रीडिंग देखेंगे? यस सर। सॉफ्ट हाफ शॉर्टिंग है, फुल शॉर्टिंग है, क्या है, पहले उसकी कंडीशन चेक करेंगे। जी सर। फिर उसमें वोल्टेजेस चेक करेंगे। तो ये जो मैं जितनी चीज़ें बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएगी? जी सर, पता है स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप पता रहा। तो कैसी रही ओवरऑल क्लास? ओवरऑल अच्छी रही सर। बहुत अच्छी रही। जी सर। अभी मैं बात करूँ कि PCB देखने का नजरिया पूरी तरीके से चेंज हुआ कि नहीं हुआ? टोटली बदल गया सर, 100%। 100%। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और आप कहाँ से हैं? नमस्ते सर, मेरा नाम हर्षराज है, मैं नासिक महाराष्ट्र से। हर्षराज जी महाराष्ट्र से हैं आप, तो बताइए आज क्या किस चीज़ की क्लास चल रही थी? सर आज डेड डायग्नोस की क्लास थी। डेड डायग्नोस की क्लास। तो आज बताइए कितने सालों से काम कर रहे हैं इस फील्ड में आप? सर 2.5-3 साल से काम कर रहा हूँ। तो इतना डेड का डीप नॉलेज पता था आपको? नहीं सर, बिल्कुल नहीं पता था। तो डेड में आप तो शायद कहीं और भी होकर के आए हैं शायद, आई थिंक। हाँ। तो क्या इतना डीप लेवल से आपको बताया गया? नहीं सर, इसके पहले मैं सिर्फ मतलब IC रिवॉल्विंग तक ही जानता था, और लगता है मुझे कि अगर लगता है तो IC चेंज कर देता था मैं। तो क्यों चेंज करना है, कब चेंज करना है, MMC पे कब काम करना है, सॉफ्टवेयर कब करना है, ये सारा कुछ पता चला? अभी तो सब स्टेप बाय स्टेप करूंगा सर। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अभी भी कोई फोन अभी लौटेगा क्या? नहीं सर, अभी नहीं लौटेगा। फुल डायग्नोस कर सकते हैं? जी सर, पूरा डायग्नोस। कैसी रही ओवरऑल क्लास? बहुत अच्छी रही सर। बहुत अच्छी रही। यस सर। चलिए ठीक है, कंटिन्यू, थैंक यू। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम राणा रॉय है, मैं त्रिपुरा से हूँ। तो त्रिपुरा से हैं, तो बताइए आज क्या कराया जा रहा है? सर आज डेड डायग्नोस्टिक था जी, कौन सा हाफ शॉट फुल शॉट इसके बारे में जानकारी थी, और कौन सा IC पे कितना वोल्टेज जाता है, कितना ये सब कुछ आज बताया। सब कुछ बताया? सब कुछ बताया। अगर एक डेड फोन आता है तो वो हार्डवेयर से भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर से भी हो सकता है। हाँ हाँ, MMC से भी हो सकता है। CPU से भी हो सकता है। CPU से भी हो सकता है। CPU शॉर्ट हो सकता है। तो सर ने आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताया? हाँ सर। कैसे पहले से एक बार पूरा चार्जिंग से लेकर पूरा ICPU तक कैसे जाना है पूरा सिस्टम बता दिया। तो कैसी रही ओवरऑल क्लास? बहुत ही अच्छा रहा सर। बहुत अच्छा रहा डायग्नोस। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए।
तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, उनका नाम और आप कहाँ से हैं? मैं उमेश, नेपाल से। उमेश जी, आज हमें ये बताइए कि आज किस चीज़ की क्लास कराई जा रही थी? आज डेड डायग्नोस की क्लास चल रही थी। तो डेड डायग्नोस में सर ने आपको बूट सिक्वेंस हो, डीसी की रीडिंग हो और बक कॉइल क्या होता है, ये सारा कुछ बताया गया हमें। सारा कैसा रहा ओवरऑल क्लास? अच्छा रहा। तो डेड से रिलेटेड अगर कोई फ़ोन आता है तो आप स्टेप बाय स्टेप उसको चेक करेंगे कि कहीं बेस्ट मार के थिनर मारना है सब? नहीं सर, स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। आप इससे पहले काम करते थे या फ्रेशर है? बिल्कुल। कितने सालों से कर रहे हैं? पाँच छः साल से कर रहे हैं। क्या कर रहे थे 5-6 साल? हिट मार देना। अभी हिट मारेंगे क्या? नहीं मारेंगे। तो कैसी लगी ओवरऑल क्लास? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। चलिए ठीक, कंटिन्यू करें। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और आप कहाँ से हैं? सर मेरा नाम पवन कुमार, मैं बिहार से हूँ। पवन जी बताइए आज किस चीज़ की क्लास चल रही है? डेड डायग्नोस की क्लास थी हमारी। डेड डायग्नोस की क्लास, बहुत तेज बोलिएगा। तो पवन जी ये बताइए कि देव सर ने आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताया। जी सर। सॉर्टिंग के बारे में कि सॉर्टिंग कैसे होती है, फुल सॉर्ट है, हाफ सॉर्ट है, हमें डीसी में रीडिंग क्या चेक करना है, क्या फ्लक्चुएशन होता है, क्या एम्पियर होता है, क्या बूस्ट वोल्टेज होता है, बक वोल्टेज होता है, सब कुछ बताया गया। जी सर। तो अभी मैं बात करूँ डेड डायग्नोस आपके पास अगर आया तो आप स्टेप बाय स्टेप कर पाएंगे उसको? जी सर। कि उसको किस आईसी पे कब काम करना है, कब पावर निकालना है, सीपीयू निकालना है, एमएमसी पे काम करना है, सब कुछ बताया गया यहाँ पे? जी सर, सब बताया गया है। ओके, तो कहाँ पे काम करना है सब बताया गया। तो कैसी रही ओवरऑल क्लास? सर बहुत बढ़िया रही यहाँ पे। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और आप कहाँ से हैं? सौरभ कुमार सर, बिहार से हूँ। जी कैसे बोलिएगा? सौरभ कुमार सर, बिहार से। सौरभ जी बताइए आज देव सर के साथ किस चीज़ की क्लास थी? आज सर डेड क्लास थी सर, मेरे साथ डेड क्लास थी यहाँ पे। तो डेड देखो कहीं से भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर से भी हो सकता है, हार्डवेयर से भी हो सकता है, एमएमसी से भी हो सकता है। तो अभी आपको ये पता चलेगा कि किस फोन पे कब काम करना है, किस सेक्शन पे काम करना है। कब सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, कब हार्डवेयर से सर फोन ऑन होगा, बूट सिक्वेंस पता चला है सर, वोल्टेज के बारे में पता चला, बीपीएच कब बनता है, बीपीएच नहीं बन रहा है तो किस आईसी पे काम करना है, उसके बाद हमें आइडियल वोल्टेज क्या होता है, आइडियल वोल्टेज नहीं बन रहा है तो हमें क्या क्या करना है, तो सारा कुछ बताया गया। कैसी रही ओवरऑल क्लास? बहुत बढ़िया है। कोई डेड फोन आता है तो रिटर्न जाएगा? आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या बोलना चाहेंगे? आने वाले स्टूडेंट के लिए सर सोचे समझे आ सकता है सर, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू। एक स्टूडेंट और, आपका नाम और आप कहाँ से? सर मेरा नाम संजय साहब, हाँ मैं त्रिपुरा अगरतला से हूँ सर। जी संजय जी बताइए आज हमारे देव सर के साथ किस चीज़ की क्लास थी? सर आज डेड डायग्नोस का क्लास था सर। डेड डायग्नोस की क्लास थी? हाँ सर। तो डेड से रिलेटेड अगर फ़ोन आता है तो कब हमें सीपीयू पे काम करना है, बूट सीक्वेंस क्या होता है, हमें वोल्टेजेस कैसे चेक करने हैं, बक वोल्टेज कैसे चेक करने हैं, ये सब कुछ सर ने स्टेप बाय स्टेप बताया? हाँ सर, सर ने पूरा बता दिया और इसके ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर। क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी? सर बक कॉइल में कितना वोल्टेज आने से पता चल जाएगा ये सीपीयू खराब है कि नहीं, ना एमएमसी खराब है। तो सर ने आपको प्रैक्टिकली बताया? प्रैक्टिकली बताया। तो कैसी रही ओवरऑल क्लास? तो अच्छा ही था सर। इससे पहले क्या करते थे डेट के नाम पे? सर डेट के नाम पे सर जो डेट आता था सर देखता था शॉर्ट है कि नहीं, इसके बाद नहीं बनता तो शॉर्ट नहीं तो सीपीयू में और पावर आईसी में हिट देता था। तो अभी कैसी रही क्लास? सर अभी तो अच्छा ही है सर, सर जो आज का पूरा तरीका मिल गया सर, कैसे चेक करना है सर, दोबारा जाकर सर ऐसा नहीं करूँगा, हीट नहीं दूंगा सर, तो स्टेप बाय स्टेप उसको बनाऊंगा सर। जी मेरा नाम हुआ गणेश सर, मैं झारखंड से हूँ। आज हमारे देव साहब के साथ हम लोग का डेड सेक्शन का क्लास थी जो बहुत ही डीपली नॉलेज में बताए। कितने से काम करते हैं सर? मैं प्रेशर हूँ सर। अच्छा प्रेशर, पावर इनपुट सीक्वेंस पता चला? जी सर चेक किए पूरे। सिर्फ डेड आए तो कहाँ से शुरुआत करनी है? जी सर, पावर वोल्टेज नहीं आ रहा है, सीपीयू नहीं आ रहा है, एमएमसी में कहाँ से शुरुआत करना है? जी सर चला आपको पता चला सर? कैसे रही आज की क्लास? बहुत बढ़िया सर। क्या बोलना चाहेंगे देव सर के लिए? देव सर के लिए थैंक यू बोलेंगे सर। और कोई आना चाहे इसी टेलीकॉम तो उसके लिए बेशक आ सकते हैं सर। पैसा वसूल हो रहा है आपका? जी सर। इंडिया का नंबर वन स्टूडेंट को Get set, go! Yes, sir! एशिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Yes, sir!